एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली के 40 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम और पुलिस मौजूद है। केशवपुर मंडी में दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर ये बोरवेल है, ये बड़ी खबर है। उस बच्चे को बचाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, एनडीआरएफ की मौजूदगी वहां पर है। केशवपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर 40 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। दिल्ली फायर सर्विस, इसके अलावा एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा यहां पर पहुंच चुकी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कोशिश यही है इस बच्चे को जल्द से जल्द और सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया जाए। ये दुखद खबर है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये बच्चा जल्दी बाहर निकल जाएगा। केशवपुर मंडी में जल बोर्ड प्लांट के अंदर ये बोरवेल है। हालांकि इसके बारे में और जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन कोशिश प्राथमिकता इस वक्त की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को निकाल लिया जाए। जावेद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, क्या उम्र है इस बच्चे की, ये भी बताइए, और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बीती रात 1 बजे का ये मामला बताया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का एक प्लांट था केशवपुर मंडी के आसपास, जिसमें एक बच्चा जो है वो गिर गया है, और मौके पर रात से ही ये ऑपरेशन लगातार जारी है। फायर डिपार्टमेंट मौजूद है, एनडीआरएफ है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। देखिए, गहराई बहुत ज्यादा है और चैलेंज यही है कि बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। लगातार जो तीनों एजेंसीज हैं वो बच्चे को निकालने में जुटी हुई हैं। 40 से 50 फीट जो गहरा है ये डीप बोरवेल है, जिसको जिसमें इस बच्चे जो बच्चा गिरा है, और लगातार कोशिश जारी है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जी, ये बड़ी खबर है। जावेद, आपने जानकारी दी कि कल रात का ये मामला है, रात में ये बच्चा इस बोरवेल में गिरा, लेकिन अब कोशिश ये है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की मौजूदगी है। अब चूंकि गहराई ज्यादा है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही होगी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, बोरवेल में ये बच्चा गिरा है, 40 फीट गहरा ये बोरवेल है, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, और कोशिश यही है कि इस बच्चे को बाहर भी निकाल लिया जाए और ये बच्चा सुरक्षित भी रह सके, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है, 40 फीट गहरा ये बोरवेल जिसमें एक बच्चा गिर चुका है। इस बच्चे के बारे में भी अभी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, लेकिन 1 बजे का ये बताया जा रहा है, 1 बजे बच्चा इसमें गिरा, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है। जैसा जावेद भी बता रहे थे कि रात को जैसे ही खबर मिली, संभवतः तभी इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया होगा, अब सुबह हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का भी जरूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी यहां पर है। 40 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिर गया है, और अब उसकी सलामती की दुआ भी जरूर मांगी जा रही होगी, कोशिश भी यही की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। ये परेशान करने वाली खबर भी है, दुखद खबर भी है। अब बच्चे की उम्र क्या है ये भी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि 40 फीट गहरा गड्ढा अगर है तो फिर आप सोचिए कि ये बोरवेल है तो उसे ऑक्सीजन भी नहीं ठीक से मिल पा रहा होगा, तो उसकी भी कोशिश ज़रूर की जा रही होगी कि कैसे बच्चा जब तक बाहर नहीं निकल पाता तो उसे सुरक्षित भी वहाँ पर रखा जाए, ये भी ज़रूर बहुत ज़रूरी है। दो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, दिल्ली के केशवपुरा मंडी इलाका ये बताया जा रहा है, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर 40 फीट गहरा ये बोरवेल जिसमें एक बच्चा गिर गया, और इसके बाद एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, बचाव अभियान इस वक्त चल रहा है, और अगर टीम की और ज़रूरत पड़ेगी तो भी आप यकीन मानिए कि उन्हें और टीम को बुलाया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कल रात चूंकि अंधेरा भी होगा, 1 बजे का ये समय था जब बच्चा बोरवेल में गिरा, तो हो सकता है कि कुछ रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही हो, लेकिन अब सुबह हो चुकी है तो अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेज़ी आई होगी। अब कितना लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है या कब तक उम्मीद है इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये भी अभी जांच का विषय है या इसको लेकर अपडेट आना बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है।